वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ने की होड़ लगातार जारी है और काफी इंटरेस्टिंग होगा और देखना होगा कि किसकी बोली ऊपर निकल कर आती है। शुक्रिया यातिन इस एनालिसिस के लिए। निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट मंगेश हमारे साथ जुड़ गए। मंगेश, गुड आफ्टरनून। ये बताइए, ये इन एसेट्स में ऐसा क्या है और किस कंपनी, क्योंकि अब आसला मित्तल का नाम आया, JSW ग्रुप का नाम आया, अदानी का नाम आया, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि आदित्य बिरला ग्रुप भी यहाँ पर शायद इन एसेट्स को ले सकता है, पता नहीं कितने वो इंटरेस्टेड होंगे। किसके लिए इम्पेरेटिव है ये एसेट हथियाना, उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन किसके लिए इम्पोर्टेंट है कि उनके नाम हो जाए? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, डेफिनेटली ये एसेट्स काफी वैल्यूएबल है। ACC अंबुजा बहुत पुरानी सीमेंट में कंपनीज है और उनका ब्रांड बहुत तगड़ा है, तो सीमेंट में आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो लगा लेंगे, बट टू गेट दैट ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन रीच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो ब्रांड पुल से ही काफी सीमेंट ACC अंबुजा का बिकता है, एंड देन दिस इज वॉट पीपल विल पे प्रीमियम फॉर। तो इसमें बहुत बड़ा कैपेसिटी भी है, जैसे आपने बोला कि नंबर टू प्लेयर है इंडिया में, और जो भी नया प्लेयर अगर सीमेंट में आना चाहता है तो माइंस लेने के साथ नया प्लांट डालना इट्स अ वेरी लंबी प्रोसेस। एक प्लांट डालने के लिए कभी कभार 5 से 6 साल लग जाते हैं। फिर अभी आपको सामने खड़े ऑलमोस्ट 65-68 मिलियन टन का पूरा कैपेसिटी मिल रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए काफ़ी लोग प्रीमियम देने को तैयार होंगे। और जैसा मैंने कहा कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है कि इसका एफिशिएंसी और आगे और इम्प्रूव हो सके और उससे ज़्यादा इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके, और फॉर न्यू प्लेयर विद डीप पॉकेट्स आई थिंक दिस मेक्स अ गुड सेंस। अदानी काफ़ी टाइम से दे वांटेड टू गेट इनटू सीमेंट स्पेस, JSW हैज एंटर्ड सीमेंट थ्रू इट्स ओन ग्राइंडिंग यूनिट्स, और ArcelorMittal एक नया नाम है विच वी हर्ड टूडे इवन दू आर इंटरेस्टेड। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो काफी इंटेंस बिडिंग होगी, एंड आई थिंक द एसेट्स विल बी सोल्ड एट अ प्रीमियम। अब मंगेश, इनफैक्ट मेरा प्रश्न यही था कि जैसे कि आपने कहा कि भाई एक सीमेंट प्लांट लगाना अगर आप देखें आसान है, लेकिन प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी उसकी मार्केटिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। मेरा प्रश्न अल्टीमेटली यही था। तो आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ JSW स्टील तक सीमित नहीं रहेगी, ये आगे भी जाएगी, और ओवर बीडिंग अगर होगी तो कौन सी ट्रेजेक्ट्री तक आपको लगता है कि ये अमाउंट जा सकती है प्राइमा फेसिया? हाँ, तो अगर आप देखो, अगर आपको नया सीमेंट का प्लांट डालना है तो जनरली $100 से $120 का इसका ओवरऑल कॉस्ट लगता है ऑन अ पर टन बेसिस, और इसके लिए मेरे को लग रहा है कि प्रीमियम मिलेगा इन कैपेसिटीज को। तो मतलब मेरे ख्याल से टारगेट ईवी पर मेट्रिक टन जो ये कंपनी को मिलेगा, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ $150 to $170 ऑन अ पर्टन बेसिस। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के कम से कम 25-30% या 30-40% प्रीमियम पे दिस विल बी सोल्ड, और मैं अगर बैक कैलकुलेशन करूँ तो एट $170 इसका ईवी एबिटा मल्टीपल जो है वो 11 times आता है, विच इज एट पार विथ वेरी लार्ज कंपनीज दैट वी लुक एट। तो ये ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये वैल्यूएशन पे ये एसेट जा सकता है। हालांकि अगर इन वैल्यूएशन पे अगर ये एसेट दिखता है तो जो भी बायर है उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी ऑन अ लोअर साइड, कि शुरू में वो लोग 6-7% के ऊपर ROCE उसमें नहीं बना पाएंगे, बट बिकॉज कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस विल बी सो स्ट्रॉन्ग दैट दे विल बी एबल टू एड कैपेसिटीज थ्रू ब्राउनफील्ड रूट, और उन लोग ओवरऑल अपना एक्विजिशन कॉस्ट कम कर सकते हैं ऑन अ पर टन बेसिस आगे जाके, और ROCE इम्प्रूव कर सकते हैं। बट जो फुटहोल्ड मिलेगा विद द एक्विजिशन ऑफ ACC अंबुजा एंड पैन इंडिया प्रेजेंस, गुड क्वालिटी पीपल, गुड क्वालिटी एसेट, वो दैट इज अनमैच्ड, सो नो, कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड बाय गोइंग ग्रीनफील्ड। करीब करीब 25% प्रीमियम है ना जो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है उसका, मंगेश आप ये कह रहे हैं, जो आपने करीब करीब 100 से 120 बताई। हाँ जी मंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी विचार रखने के लिए।